पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान यहाँ को बाय लक बाय चांस नहीं पहुँचा, यहाँ के खेल के पहुँचा है और लड़के पहुँचा था, 10 मैच जीत के पहुँचा है और यही कुछ कर सकता था। हिंदुस्तान को मुबारकबाद हो, फाइनल खेले हैं यार, आसान काम नहीं है, डेसिमेट करके पहुँचे हैं यहाँ पर फाइनल में। बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल में वो नहीं कर दिखा, वो चीज़ नहीं करके दिखा पा रहे सम हाउ कि 12 साल में ये ट्रॉफी के पास पहुँच जाते हैं लेकिन वो ट्रॉफी मिलती नहीं इनको। सो दैट इज़ बिट सैडनिंग पार्ट। अगेन यार बहुत अच्छी टॉप की बॉलिंग है, टॉप के नंबर ऑफ द विकेट्स देखें तो शमी हैं, रन्स देखें तो कोहली है, आप फील्डिंग अपनी देख लें और उसमें टॉप पे कैचेस हैं आपके जडेजा के। सो यही टीम सब कुछ कर सकती है बट अनफॉर्चुनेटली लक आपके फेवर नहीं कर रही। अगेन ऑस्ट्रेलिया इनके नर्व यार बहुत स्ट्रांग है यार, ये बहुत अपने नर्व पर काबू रखते हैं और ये अपने आप को बड़ा क्लियर हेडेड रखते हैं और प्लान ए रखते हैं कि हमने ये काम करना है और उसमें ये नहीं सोचते कि हमें नुकसान क्या होगा, ये सिर्फ जाते हैं ऑल आउट कि हमें फ़ायदा क्या होगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे अप्रोच ऑस्ट्रेलिया की बेहतर नज़र आई और इंडिया की टिमिड नज़र आई। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है और लड़ के पहुँचे हैं, दलेरी से पहुँचे हैं और मारते हुए पहुँचे हैं यहाँ पर। काश ये थोड़ी बहुत दलेरी ना फाइनल में भी दिखानी चाहिए थी इनको, ये थोड़ा मेरे साथ गिला रह गया। रोहित शर्मा थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं खेलते लंबा, वही खेल जाते 20 ओवर तो ये कहानी कुछ और होती है।